नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका राम रूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ राम रूप शर्मा और आपको मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, खास तौर पर इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए, खास तौर पर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, खास तौर पर यानी कि जिन बच्चों का जो एग्जाम है वो 8 सितंबर को है, मैथमेटिक्स का 10th क्लास के लिए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 31 तारीख है और 30 तारीख से लेकर 31 से लेकर मान लो आप और 7 तारीख तक आप किस तरीके का प्रोग्राम रखेंगे जिससे आप 100% पास। तो क्या आपके मार्क्स कम से कम 40-50% आ जाएंगे, ठीक है ना? तो आपको प्रैक्टिस करना है, डेली डेली प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने वाला हूँ उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है डेली। और इन क्वेश्चंस को आप बच्चों नोट कर लें, 100% आपको उस क्वेश्चंस इसी यहीं से ही आने वाले हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.3 जो एक्सरसाइज है वहां से आप √3 इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, या फिर 3 + 2 √3 इरेशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप डेली करें बच्चे, 100% आपको क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ दूसरा जो क्वेश्चन है वो समझ लें कि जो आपकी एक्सरसाइज है 1.4, वहां पर आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो कंसेप्ट है वहां पर आपको नंबर ऑफ डेसिमल आपको बताना है। तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट चैप्टर पर। ये चैप्टर नंबर 1 हो गया है। इस चैप्टर नंबर 1 में ये 2 क्वेश्चन की तैयारी आप डेली करेंगे बच्चे, ठीक है? अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 में आप एक्सरसाइज 2.2 या उसके जैसे जो क्वेश्चन है वो डेली आप 2 क्वेश्चन आप करते रहे, 2 क्वेश्चन आप डेली करें, 2 या 3 क्वेश्चन आप डेली करें, आपसे 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। उसके बाद में मैं चैप्टर 3 पर आ जाता हूँ। तो चैप्टर 3 पर देखिए, A1 / A2, B1 / B2 जो है वहां से आपका क्वेश्चन जनरली बच्चों का थोड़ा गलत हो जाता है ऐसे बच्चों का, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है या घबराहट में हो सकता है। तो आपको मैं एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, उस एक्सरसाइज को कर ले, आपका जो क्वेश्चन है वो 100% हो जाएगा सही। तो एक्सरसाइज जो 3.6 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 6 पार्ट है, पहले पार्ट से लेके और 6th पार्ट तक, 7th मिनी 6th पार्ट तक, इन क्वेश्चंस को आप डेली कर लो, आपका इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, ये आप लोगों को सोच समझ के मैं ये एक्सरसाइज दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी भी ना हो, टाइम भी आपके पास कम है। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 और 4.4 छोटी छोटी एक्सरसाइज है, 6-7 6-7 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। इन्हीं में से आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक से ही आने के पूरे पूरे चांस है। चैप्टर जो 5 है उसमें आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से 100% मिल जाएगा। तो ये है मेरे चैप्टर 1 2 3 4 और 5 के क्वेश्चन। अब मैं चलते देता हूँ चैप्टर 6 की तरफ। अच्छे से ध्यान कर लें बच्चे और इन क्वेश्चंस को डेली करें। आप ये समझ लो ये कि ये करीब मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं और इन 20 क्वेश्चन में से ही आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन आ जाने, ठीक है ना? चैप्टर अगर मैं 6 की बात करूं यानी कि ट्रायंगल चैप्टर की बात करूं तो वहां पर 2 थ्योरम है, आप उन थ्योरम्स को कर लें बच्चे। एक थ्योरम है पाइथागोरस की थ्योरम और एक थ्योरम है बीपीटी की थ्योरम। तो इन दोनों थ्योरम को आप रट लो, कम से कम 5-6 बारी लिख लो, आपको इनमें से एक थ्योरम आ जाएगी, ठीक है? चैप्टर 7 जो है जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कहते हैं वहां पर आप निश्चित रूप से इन क्वेश्चन को करें। एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाता है।
ठीक है ना। और एक्सरसाइज जो 7.2 है उसका आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लें, ठीक है ना। चैप्टर 8 में अगर आ जाता हूं मैं ट्रिगो में, तो ट्रिगो में आप एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लीजिए, और एक्सरसाइज 8.2 का जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन आप कर लें, लास्ट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको लगभग आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। अगर आप चैप्टर 9 के क्वेश्चन को रट भी सकते हैं तो भी आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका क्वेश्चन आ जाने वाला है। चैप्टर 10 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो आपकी एक्सरसाइज 10.2 है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा। देखिए चैप्टर 11 में आप एक्सरसाइज 11.2 कर ले वहां से, और 11.2 का भी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर ले, आपका चैप्टर वहां पर कवर हो जाएगा। चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.3 जो है उसके आप पहले आप 10-11 क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर 13 की, तो चैप्टर 13 में हर एक एक्सरसाइज से है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर ले, हर एक एक्सरसाइज से कर ले, तो हर एक एक्सरसाइज से ये कर ले तो आपको क्वेश्चन आपको मिल जाना है। चैप्टर 14 में तो बहुत आसान है भाई, एक क्वेश्चन को उठाओ उसका मीन भी निकाल दो, मोड भी निकाल दो और मीडियन भी निकाल दो। चैप्टर 15 बच्चे अलग से करना है ना, एक्स्ट्रा करना है चैप्टर 15 के क्वेश्चन, तो वहां से आपको क्वेश्चन आ जाने वाला है बहुत आराम से। अगर आप इन क्वेश्चंस को, मेरे इन क्वेश्चंस को डेली करेंगे 8 दिन तक, तो आपको निश्चित रूप से 40-50 नंबर मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चों, ताकि सभी बच्चों को फायदा हो और आपके अच्छे मार्क्स आए। आराम से पढ़ते रहिए, 4-5 घंटे, 4-5 घंटे काफी टाइम होगा, अभी भी बहुत दिन है, और इन क्वेश्चंस को करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।